स्वागत है आपका कविताज मैजिकल किचन में। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम से मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है। एक्चुअली मुझे फीवर आ गया था तो उसको रिकवर करने मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज हम एक रेसिपी बनाना सीखेंगे जिसका नाम है अमरूद की सब्जी। अमरूद की सब्जी थोड़ी कुछ खट्टी होगी, कुछ मीठी होगी, क्योंकि अमरूद अपने आप में थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा मीठा होता है, तो इसको झटपट तरीके से बनाना सीखेंगे हम। अमरूद की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा अमरूद। आप अमरूद देख रहे हैं कि काफी बड़ा है और एक ही सफिशियंट रहेगा अमरूद, जो कि दो तीन लोगों के लिए आराम से हो जाएगा। और ये अमरूद जो है मैंने ग्रीन कलर का नहीं लिया है, इसका टोन येलोइश कलर का है, जो कि थोड़ा सा पका हुआ है, क्योंकि जो ग्रीन टोन में आते हैं वो एकदम हार्ड होते हैं, वो हमें नहीं लेना है सब्जी के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा पका हुआ अमरूद लेंगे। अब इसको हम छोटे छोटे बारीक पीसेस काट लेंगे, बहुत छोटे पीसेस भी हमें नहीं लेने हैं, मीडियम साइज में हम इसको काटेंगे। जैसे कि हम आलू की सब्जी बनाते हैं और आलू के हम टुकड़े करते हैं, उतने ही बड़े टुकड़े हम इसके भी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमरूदों को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई ली है और अब हम स्टार्ट करते हैं अमरूद की सब्जी को बनाना, जिसके लिए मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, ये 2 टेबल स्पून डालेंगे। इसके बाद जो हम लेंगे वो मैं ले रही हूँ सौंफ डालूंगी मैं इसमें, जीरा नहीं डालूंगी क्योंकि सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम सौंफ लेंगे। और चुटकी भर थोड़ी सी हम हींग पाउडर डालेंगे। जो भी हम मसाले डालते हैं वो सारा भी हम ऑयल में ही डाल देंगे, जिससे वो थोड़े से अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक। इसको 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये जो कटे हुए पीसेस है अमरूद के, वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ। अमरूद का जो खट्टा और मीठा टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, आप लोग इसको जरूर ट्राई करें, ये खट्टी मीठी सब्जी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गैस को हम सिंपर कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी पानी मिक्स करेंगे, पानी का मतलब है बहुत ही थोड़ा सा पानी, ये आप देख रहे हैं। और इसको फिर हम 2-3 मिनट के लिए सिम करके इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, ये बहुत जल्दी बनती है, इसको ज्यादा देर के लिए पकने के लिए नहीं छोड़ना है। चलिए देखते हैं, 2-3 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी पकी है या नहीं। ऑलमोस्ट पक गई है, क्योंकि ये अमरूदों को, अमरूद की जो सब्जी है उसको हम ज्यादा टाइम तक नहीं पकाते हैं। और ये हमारी सब्जी हो गई है, अमरूद ऑलरेडी पका हुआ होता है तो उसको सिर्फ 2-3 मिनट तक ही पकाना है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सब्जी को बाहर निकालेंगे। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी ये सब्जी बनी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है सब्जी को बनाने में। अगर हमारे घर में एकदम से गेस्ट आ जाए और हमें कुछ एक्स्ट्रा कोई रेसिपी या कोई एक्स्ट्रा सब्जी रखनी हो, तो उसके लिए हम इस सब्जी को भी ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ चटपटा, कुछ मीठा, इसका ऐसा फ्लेवर आता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसकी हम गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से, और क्योंकि हमने इसमें सौंफ डाली है और उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है। और आप देख रहे हैं हमारी झटपट अमरूद की जो सब्जी है मसाले वाली एकदम से तैयार है, रेडी है।